ये पीर मीठा गली कड़का चौक में हुआ है हादसा। हमने एक महीने से हम लोग प्रशासन को सूचित कर रहे थे कि यहाँ पर ये जर्जर इमारत है, कुछ भी हादसे को न्यौता दे सकती है, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। 15 दिन पहले जेईएन आईएएन मैम आए थे यहाँ पर, उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद बोलती हैं कि कोई मरा तो नहीं, जब ये बिल्डिंग का कुछ छज्जा गिरा था और सोमवार था, लास्ट सोमवार जो था सावन का, वहाँ पर पूजा करते हैं लोग, आसपास के पड़ोसी लोग सब यहाँ पर आते हैं, पूरे मोहल्ले के स्कूल बच्चे जाते हैं यहाँ पर। आने के बावजूद उन्होंने देखने के बाद कहा है कि यहाँ पर कोई मरा तो नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि मैम कुछ मरने के बाद कार्रवाई होगी क्या, तो बोलते हम देखते हैं क्या करना है। उस बात को 10 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इन्होंने किसी को नहीं भेजा। हर दो या तीन दिन बाद अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा गिर रहा है। ये बिल्डिंग को अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पास वाली इमारत जो है वो आज जर्जर स्थिति में थी और वो गिर गई। उसके लिए ये पीर मीठा गली दरगाह बाजार का एरिया है, ये आसपास दरगाह का जाने का आस पास में ही रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे दरगाह का रास्ता है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है ये। जनानी का हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी 4 गाड़ियाँ अंदर दबी हुई है, एक्टिवा और 2 मोटरसाइकिल है, नीचे बैरिकेडिंग लगे तो वो दबे में, एक बच्ची अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी, उसके सर पे पत्थर आके लगा और उसकी मदर का चश्मा टूटा है यहाँ पर। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है प्रशासन को, वो बच्ची को अभी हॉस्पिटल लेके गए, हमारे पड़ोस वाले शॉपकीपर वो हॉस्पिटल लेके गए, वो बच्ची स्कूल से आ रही थी, उसकी मदर के चश्मे पे पत्थर लगा है, उसके सर पे लगा है इधर, और यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, प्रशासन अभी तक नहीं आया, केवल पुलिस के 2 सिपाही आए, बाकी पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, लेकिन अभी तक 1 घंटा हो गया कोई भी नहीं आया। लापरवाही एक है, 1 महीने से लापरवाही है, लापरवाही का मुआयना इनको बार बार दिखा रहे हैं, ये लापरवाही है, बार बार हम उनको सूचित कर रहे हैं कि ये गिरने वाली है, लेकिन लापरवाही के कारण ही नहीं आ पा रहे वो। अगर मेरा नाम मयंक गौड़ है, अजमेर से। वार्ड 52 के अंदर ये पीर मिठा गली है, जिसके अंदर एक नहीं या 5-6 मकान पूरी जर्जर अवस्था में है और कभी भी बड़ी हानि होने की संभावना है। कुछ 5 दिन पूर्व जेईएन साहब और सब आके सूचना कर दी गई थी, वो इनको चिन्हित भी करके गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये हादसा हुआ है, इसके अंदर 3 मोटरसाइकिल दब गई है और बड़ा हादसा होने वाला था और कुछ बच्चे भी दबने वाले थे, उनको बचा लिया गया है। स्कूल के बच्चे निकल रहे थे, उनको बचा लिया गया है। और अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़ा हादसा होने का खतरा है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और भी हवेलियां से जगह हाँ है, 5-6 है और वो चिन्हित कर चुके हैं, इनको दिखा दिया है, वो फोटो ले गए हैं और उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन अभी ये नोटिस देने और कार्रवाई का समय नहीं है, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होगा।